अनूप जी अग्रवाल, श्रीमती अल्पा जी अग्रवाल धूलिया, श्री आविष्कार जी भूसे, श्रीमती लतीशा जी भूसे मालेगांव, श्री चेतन जी मंडोरे, श्रीमती अंजना जी मंडोरे धूलिया, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कर स्नान आप और हमको कराया है। ये शिव की कृपा भगवान देव आदिदेव महादेव की करुणा उनकी उदारता है। एक तो कार्तिक का महीना दामोदर मास और उसमें भी भगवान शिव की अविरल भक्तिमय शिव महापुराण की कथा। शिव कथा कहती है कि जो परमात्मा ने ये शरीर दिया है, जो परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, और जो ये शरीर भगवान देवादिदेव महादेव ने हमको प्रदान किया है, ये कोई साधारण सा शरीर नहीं है। त्रियासी लाख 99,999 जब योनियां कट जाती हैं, समाप्त हो जाती है, आवाज नहीं जा रही है, उधर भी नहीं जा रही, इधर भी नहीं जा रही, तो आवाज का देखिए, इधर भी नहीं, सब जगह 83,99,999 जब हमारी योनियां कट जाती हैं, हमारी योनियां जब समाप्त हो जाती हैं, तब जाकर 84 लाख में नंबर की जो योनि है तब जाकर 84 लाख में नंबर की जो योनि है वो मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है। अब इतनी योनियां काटने के बाद जो मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, वो व्यर्थ गमाने के लिए नहीं मिली। ये मानव की जो शरीर मिला 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो मानव का शरीर मिला वो व्यर्थ गंवाने का नहीं। एक तो मिला बड़ी मुश्किल से, अथक प्रयास करा गया तब जाकर ये शरीर मिला, और वो शरीर ऐसे ही चला जाए, माटी में मिल जाए,
तो कोई मतलब का नहीं। शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन उस 21,600 श्वास जो प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन शरीर से आना जाना कर रही है, उस 21,600 श्वास में से कुछ श्वासें 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होना चाहिए जो भगवत भजन की हो। जैसे घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, जो सास होती है, कुछ रकम कुछ जेवर वो बनाती है तो ऐसे बनाती है कि वो बात तक काम आ जाए। घर की एक बुजुर्ग माँ अगर कोई जेवर बनवा रही है तो वो ऐसे बनवाती है कि वो बात तक काम आए, आखिरी तक वो जेवर जो उसने बनवाए हैं अपनी बहू को, अपने पोता बहू को वो चढ़ा सके, वो काम में आ जाए। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में जो आपने भजन किया, बचपन में जो आपने देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित किया, बचपन में जो आप भगवान शंकर के मंदिर तक गए हो, जवानी में जो आपने भगवान शंकर का भजन किया है, जवानी में जो आप शिव के मंदिर तक गए हो, जैसे बचपन जवानी में भजन किया जाता है तो वो भजन, बचपन जवानी में एक लोटा जल अगर शिवजी को समर्पित किया जाता है तो वो एक लोटा जल, बचपन जवानी में जो तुमने भगवत नाम का कीर्तन करा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, विट्ठल, पांडुरंगा, हरि विट्ठल, जो तुमने भजा है भगवान का, जो भजन किया वो तुम्हारा भजन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तुमने जो बचपन और जवानी में जो भजन किया वो भजन तुम्हारा कभी बूढ़ा नहीं होता। तीस वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, जो तुमने मेहनत करी है, 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, जो तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत का जो धन होगा, तुम्हारी मेहनत की जो प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारी मेहनत का जो प्लाट होगा, तुम्हारी मेहनत की जो जमीन होगी, वो जमीन, वो धन, वो संपदा, वो प्रॉपर्टी, तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना तो जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, ये प्रॉपर्टी, ये धन तुम्हारा बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देता है। जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था, जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया वो तुम्हारा
बुढ़ापे तक, आखिरी की श्वास तक तुम्हारा साथ देता है, आखिरी श्वास तक। अब जैसे 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया वो तुम्हारे अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ देता है, उसी तरह जो तुमने 15 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में जो तुमने अपने बाल्यावस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक जो तुमने भगवान का भजन किया, जो तुमने स्मरण किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने राम नाम कृष्ण नाम का जाप किया, जो तुमने एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, जैसे जवानी में कमाया गया धन बुढ़ापे तक काम देता है, जवानी में खरीदी गई प्रॉपर्टी मरते दम तक आखिरी तक काम दे जाती है, उसी तरह जवानी में किया गया भजन, बचपन में किया गया भजन तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ दे जाता है, आखिरी श्वास, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक, अंतिम पल तक तुम्हारा साथ देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भजन करने की कोई उम्र हो, भजन करने की कोई उम्र होती है? जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, जब तुम्हारा दिल करे, तब तुम भगवान के मंदिर जाओ। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सवेरे 10 बजे भगवान शंकर, आवाज पकड़ रहा है, कई माताएं कहती हैं मैं रोज सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर जाती हूं, कोई कोई कहता है कि हम सुबह 8 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, 9 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई 11 बजे भगवान के मंदिर जाता है। और कई माताएं कहती हैं हम 10 बजे नहीं जा पाए तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाते। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर आपने स्मरण करा हो, उमा खंड को अगर पढ़ा हो तो पार्वती खंड में, उमा खंड में एक बात आती है, बड़ी सुंदर आती है। रोज 10 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 9 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज सवेरे 8 बजे मंदिर जाते हो। पार्वती खंड कहता है, उमा खंड कहता है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना समय बदल कर भगवान के मंदिर जाया करो, हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा समय निकालो कि हमें अपना समय चेंज करना, अपना समय बदलना। क्या होगा उससे? जो दुकान जाने वाले हैं उन दुकान जाने वालों से हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जाने वालों से निवेदन करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, कार्य करते हो, तुम्हारा जाने का समय 10 बजे है, कभी प्रयास कर कर सुबह 9 बजे चले जाओ, कभी प्रयास कर कर 10:30 बजे चले गए, कभी प्रयास कर कर आगे पीछे थोड़ा सा समय हफ्ते में 1-2 बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक ये विचार करे, मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है, कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो, 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए,
जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो, हफ्ते में, दो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है, थोड़ा बदलाव जरूरी। जाओ शिव के मंदिर, रोज जाओ भगवान के दरवाजे पर, रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में एकाध दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए तो उसको करने का प्रयास करें, फिर उसको करें। उसका फल आपको मिलेगा। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावी बाबा, डोर तो छटीना तेरी हवा बिच उड़ती जावी बाबा, तोर हो जावा करेंगे। जब आप प्रयास करेंगे, थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे तो बाबा की प्राप्ति होगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का एक वर्णन, जैसे आप अपने आप को
जितना संसार में खर्च कर रहे हो, 21,600 श्वास जो तुमको मिल रही है और तुम उसको जितना संसार में खर्च कर रहे हो, उस 21,600 श्वास में से थोड़ी सी श्वास जब आप अपने आप को परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करोगे, परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करो, अपनी 21,600 श्वास में से कुछ श्वास जब आप परमात्मा में खर्च करेंगे, मंदिर जाना, शिवालय जाना, देवालय जाना, कोई परमार्थ का कार्य करना, आज हमारे ललित महाराज कह रहे थे, गुरुजी लोग दीपावली के दिन अपना घर का दरवाजा खुला रखते हैं और दिया लगाते हैं दरवाजे पर। हमने दो चार लोगों से पूछा कि आप अपना घर का दरवाजा खुला रखते हो, दिया लगाते हो दीपावली के दिन, इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा खुला रखने से और दरवाजे पर दिया लगाने से लक्ष्मी घर में आ सकती है क्या? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। दरवाजा खुला रखना और दीप लगाना, ये दोनों अलग अलग क्रम है। जिसने दिल से कभी शिव महापुराण की कथा सुनी होगी वो जानता है, दरवाजा खुला रखना और दीप जलाना, लोग कहते हैं दीपावली के दिन दरवाजा खुला रखो, दिया दरवाजे पर लगाओ, लक्ष्मी आएगी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दरवाजा खुला रखने से मतलब है कि कोई तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग आए, कोई तुम्हारे घर में बड़ा आए, कोई तुम्हारे घर में दरवाजे पर कोई पहुंचे, उसके लिए तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और कोई अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई निकल कर जा रहा है जिसको जरूरत है तुम्हारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश की, दरवाजे पर दीप जलाने का मतलब है कि किसी को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत हो। दीप जलाने का मतलब है तुम्हारे दरवाजे पर दिया जलाना, मतलब तुम्हारे द्वार पर कोई आया और उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। केवल दरवाजा खुला छोड़कर अंदर बैठकर माला जप रहे और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करे, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करे। जब व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जब व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। अब दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। आपको एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। हमने जब पहले दिन जब हम यहां धूलिया नगर में पहुंचे थे और शाम के समय पर जब वो स्वागत का क्रम जब चल रहा था और लोग बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे भक्त लोग चल रहे थे, हमने देखा एक भैया जो वो अग्रवाल जी हैं और क्या नाम है उनका, जो हमारे बाजू में खड़े हुए थे उस गाड़ी में, इधर साइड में, इधर तो वो आविष्कार थे और इधर वो अग्रवाल जी थे, नाम का अनूप अग्रवाल,
तो हम देख रहे थे, उन्होंने कई लोगों को इशारा करा, वो आए, प्रणाम करे, चले। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, फिर उनने प्रणाम करा, फिर चले। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने प्रणाम करा, चले। अर्थात जो दूसरे के लिए प्रयास करता है, जो दूसरे के लिए जीता है, तो परमात्मा भी उस पर एक ना एक दिन कृपा जरूर करता है निश्चित। जो दूसरे के लिए जीना सीखा है उस पर परमात्मा की कृपा हुई, उस पर परमात्मा की दया हुई। दीप लगा देना दरवाजे पर, मतलब इसका मतलब है कि हम दूसरे के लिए जीना सीखें, हम दूसरे के लिए कुछ करना सीखें। केवल स्वयं के लिए नहीं, जब हम अपनी श्वासों को, अपने आप को परमात्मा पर खर्च करते हैं, हम अपना समय जब परमात्मा को देते हैं, हम अपनी 21,600 श्वास जब परमात्मा पर खर्च करते हैं, तब दुनिया के लोग गूगल में आपको सर्च करते हैं कि आखिर अपनी श्वास परमात्मा को दे कौन रहा है। जिसने भगवान को समय दिया, जिसने भगवान के लिए अपने आप को पूरा खर्च कर दिया, दुनिया ने सर्च उसी को करा। वो खोजते हैं गूगल पर, वो देखते हैं। आप लोगों से एक बात पूछें, उत्तर देना रे धूलिया वालों सब। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बैंक से लोन लो, बना। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में 2-व्हीलर गाड़ी लाना, 4-व्हीलर गाड़ी लाना सरल है कि कठिन है? सर, मकान बनाना कठिन तो नहीं, सरल है। गाड़ी लाना कठिन है कि सरल है? सरल है। लोन लो, लिया। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में पैसा कमाना, जितनी जितनी महंगाई बढ़ती चली गई, व्यक्ति उतनी मेहनत करने लगा और एक दुकान की 4 दुकान करने लगा, कमाने का तरीका सीखने लगा। स्वयं अपने आप पर आत्मनिर्भर बनाए। स्वयं कमा रहा है, आत्मनिर्भरता उसने धारण कर ली। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में सेठ बनना, अमीर बनना कठिन नहीं है। पहले कुछ कुछ लोग होते थे जिनके पास में 1-2 लाख रुपए होते थे, लोग उनको लखपति कहते थे, लोग उनको करोड़पति कहते थे। आज इतने पंडाल में जितने बैठे हो ना, जितने इस पंडाल में बैठे हो, मेरे महादेव पर भरोसा रख कर कहता हूं कि आप में से कोई कंगाल नहीं, सब लखपति। किसी के पास में 1 लाख होगा, किसी के पास में 50,000 से ऊपर होगा, लखपति बनने का। आज के जमाने में पैसा कमाना कठिन नहीं है, अमीर बनना कठिन नहीं है, बंगला बनाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, कमाई करना कठिन नहीं है। आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, पर आज के जमाने में दुनिया की सबसे कठिन चीज एक है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना। अच्छे अच्छे धनपति के बेटे, जिनके पास में करोड़ों का धन है, उनके बेटे भी मैखाने में और होटल में पड़े मिलते हैं। बहुत बहुत करोड़पति के बेटे भी कहीं ना कहीं गलत व्यसन में डूबे मिलते हैं।
गलत व्यसन में पड़े हुए मिलते हैं। धन कमाना कठिन नहीं भाई, सेठ बनना कठिन नहीं, अमीर बनना कठिन नहीं, दुकान बनाना कठिन नहीं, मकान बनाना कठिन नहीं, जेवर बनाना कठिन नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना कठिन नहीं, पर दुनिया का सबसे कठिन काम है कि अपनी जो जिंदगी की पूंजी है, अपनी जो औलाद है, अपने जो बच्चे हैं, इनको संस्कारित बनाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आपके मुंह पर कभी मुंह नहीं चला रहे, आप सोफे पर बैठे हो, आपके बच्चे आपकी मर्यादा रखकर खड़े हुए हैं, साथ में नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ जाते हैं, आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे से आपने कह दिया लोटा उठा जल्द शंकर जी को चढ़ा के जा, एक बार बच्चे के मुंह से ना निकले मम्मी मैं नहीं चढ़ाने जाऊंगा, मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगा, मम्मी मैं ये सामान नहीं लाऊंगा, मम्मी मैं पानी भरकर नहीं लाऊंगा, मम्मी ये काम नहीं करूंगा, अगर आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। और अगर आपके बच्चे आपके विपरीत में चल रहे हैं, बच्चों से कहा गलत जगह मत जाओ, नहीं मानते, गलत संगत में मत पड़ो, नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं, भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज इस राष्ट्र को, आज इस भारत की भूमि को आप कुछ दें ना दें, पर इतना निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर बेटा बेटी संस्कारित होंगे तो ये राष्ट्र, मेरा भारत, सनातन धर्म फिर मजबूत हो जाएगा, घटेगा ये घटेगा नहीं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें अपना संस्कार देना जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, अपने बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग बताना जरूरी है, अपने बच्चों को नेक पथ तक पहुंचाना जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम एक पत्र लाना भूल गए, जहां हम चेतन जी मंडोरा जी के यहां हम रुके हुए हैं, तो जिस कक्ष में हम रुके हुए हैं उस कक्ष में वो पत्र रखा हुआ है, एक माँ ने उस पत्र में लिखा, अगर वह यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, उस पत्र में उसने लिखा, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था, अब इतना वो नशा करता था, इतना खाने पीने में लगा रहता था कि पूरा घर बर्बाद हो रहा था, तब क्या करा जाए, तब क्या करा जाए। अब हम हमारे पति से बस हमने जिंदगी में एक ही निवेदन करा कि अपन सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं, हम हमारे पति को जैसे तैसे मना कर सीहोर ले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने वो रुद्राक्ष वहाँ रखा, हमने कंकर शंकर की पूजन करी, हमारे पति ने वो रुद्राक्ष की पूजन करी, और वो ही रुद्राक्ष मेरे पति ने गले में धारण कर लिया। गुरुजी आज 2.5 साल हो गए मेरे पति ने न मदिरा को हाथ लगाया न मांस को हाथ लगाया। वो पत्र जो हम मंडोरा जी के यहाँ रुके हैं, चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ वहाँ रखा है, आज शाम को जाने के बाद हम मंडोरा जी को पत्र दे देंगे, अभी पढ़ना उस पत्र को, उस पत्र का स्मरण करिएगा। अगर पक्की दृढ़ता आपके भीतर है, पक्का भरोसा आपके भीतर है, पक्का विश्वास आपके भीतर है, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते।
आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको बल प्रदान करता है। ये दादा बाबू भूसे जी ने जो कथा मालेगांव में कराई थी, वो कथा परभणी वाले सांसद जी ने जो कथा कराई थी वहाँ की कथा, ये धूलिया की कथा, आकोला की कथा, और भी जहाँ जहाँ कथा आप लोग अगर टीवी पर देखते होंगे तो हमारे यहाँ पर माइक पर आशीष जी कभी ज़्यादा नाम नहीं बोलते कि ये माल्यार्पण करने आएंगे, वो माल्यार्पण करने आएंगे, थोड़े बहुत नाम 2-4-8 जो रहते हैं वो मूल बोल दे। एक माला, एक प्रणाम और एक प्रशंसा। आप भी बोलो कितनी चीज है? 3। पहली जम के बोलो जरा, माला। दूसरा प्रणाम, प्रणाम करना, नमन करना। और तीसरा प्रशंसा। ये 3 चीजें जिसको बहुत अच्छी लगती है, जिसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रणाम करें, दुनिया के लोग मुझे नमन करें। दक्ष प्रजापति को महादेव ने प्रणाम नहीं करा था, और दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम करा पर महादेव ने नहीं करा। ये दक्ष प्रजापति के भीतर होना था कि सबने प्रणाम करा, मेरे जमाई ने प्रणाम नहीं करा तो मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पर जिसको प्रणाम करवाने का शौक होता है वो एक ना एक दिन बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है, बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे नंबर पर माला ज्यादा ना पहने, ये अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए कोई माला देता भी है तो उस माला को आपको समर्पित है, ये माला अहंकार उत्पन्न कर देती है। तीसरे नंबर पर अधिक प्रशंसा, किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करो वो अभिमान उत्पन्न कर देती है। माला के चक्कर में तो बहुत झगड़े भी होते हैं महाराज, आज की अब तो नहीं होते, अब तो हमारे यहाँ ज्यादा माला माला का अर्पण का ज्यादा रखते नहीं है। और आप लोग तो इतने समझदार हैं धूलिया वालों कि जिन्होंने कोई लंबी लिस्ट यहाँ आशीष जी को नहीं देते कि इनको बुलाओ कि उनको बुलाओ, को तो 2 घंटे तक ये काम टूट जाए, बहुत इसी को समर्पण कहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी धूलिया की टीम को, साधुवाद है, साधुता, साधुवाद था। नहीं तो माला के चक्कर में तो बहुत 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 लफड़े होते हैं, बहुत। हमारी 20-22 साल पहले कथा थी नर्मदा जी के तट पर कजलास के पास में, अब नर्मदा जी के तट पर कथा, अब 22 साल पहले तो कथाएं इतनी विस्तार से होती नहीं थी, छोटी मोटी कथाएं होती थी तो नर्मदा जी के तट पर हो रही थी। अब जहां कथा करने गए थे वहां पर इसमें का तखत नहीं था, अब नर्मदा जी के घाट पर कहां तखत आए, पूरे घरों में देख लिया गांव के तो कहीं पर तखत नहीं मिला। 22 साल पहले की बात बता रहे, तखत नहीं मिला। तो किसी ने किसी गांव वाले से कह दिया, भैया एक काम करो, अब नर्मदा जी के तट पर कथा करना है, और सियोर वाला महाराज आया कथा करने के लिए 22 साल पहले हैं, अब तखत नहीं है। तो किसी ने कह दिया, चिंता मत करो मैं अपनी ट्राली लगा दूंगा। क्या लगा देंगे बोलो, बोलो जम के बोलो, ट्राली लगा देते हैं। अब उसने उसकी ट्रैक्टर लाया, ट्राली लगाई, ट्रैक्टर निकाल के ले गया। अब ट्राली पे उन्होंने चादर वगैरह बिछाई, पोथी रखी, कथा चालू होने वाला दिन पहला दिन था। माल्यार्पण की लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी थमा दी और बोलना चालू करा, काका जी आएंगे, बुआ जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सबका नाम लिया। अब नाम लेने के बाद में पूरे नाम हो गए, इतने में एक व्यक्ति भिनक गया। अब एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी किसको आया, जिसकी ट्राली थी, गुस्सा उसको।
एक तो हमारी ट्राली, ऊपर से हमारा नाम नहीं। वो बोला ना चाला, हम तो आग बंद करके चिंता संतान हंता। वो पीछे से ट्रैक्टर ले आया, तो ट्राली में फंसाया। ट्रैक्टर चालू करा, जनता बैठी, हम आंख बंद करके स्तुति में, हम आंख नहीं खोलते तो मत आंख। चिंता संतान, उसने तो ट्रैक्टर चालू करा और नर्मदा जी में बीच में पानी में ले जाके खड़ा। अब नर्मदा में बालू रेत इतना तपानी तो उसने बीच में खड़ा कर। अब हमारी आंख खोली तो चारों तरफ पानी पानी। हमने सोचा भाई रे नरब दे यार, बड़ी कृपा कर दी तूने। हम रोज कहते थे नरब दे, हर 5 बजे घर, आज तो 15 मिनट में ही पहुंचा दिया, बड़ी कृपा कर। हुआ क्या कि जिसकी ट्राली थी उसको माला पहनाने का नाम नहीं आया, इसलिए वो अपनी ट्राली लेके नर्मदा जी में ले गया। अब सारे गांव के लोगों ने हाथ पर जोड़े, भैया ट्राली वापस लेके चलो तो कथा चालू हो। फिर ट्राली खड़ी करी, उसका नाम बोला, तब माला पिनाई, तब कथा चालू। अच्छा हुआ वो तो यहाँ ट्राली नहीं लगाई, नहीं तो ये ताप्ती में छोड़ी आते ले जा। अब माला, प्रणाम और प्रशंसा, इन तीन से बच लो। इन तीन से जितना बच सकते हो बचो, जितना बचोगे उतना सुख पाओगे, जितना बचो। और माला से अगर प्रेम करना है तो फूल की माला से प्रेम मत करो, अगर माला से प्रेम करना है तो रुद्राक्ष और तुलसी की माला से प्रेम करो। जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला से स्नेह कर लिया, जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला को अपने हृदय में धारण कर लिया, वो जिंदगी में परमात्मा को अपने करीब में लेकर आए। फूल की माला अहंकार को करीब में लाती है और तुलसी और रुद्राक्ष की माला मेरे परमात्मा को आपके करीब में लेकर आ जाती है। वो माला इस चित्त वृत्ति को परमात्मा में जिसने लगाया उसकी जिंदगी सार्थक हुई। कल कथा चल रही थी, कथा में अपन श्रवण कर रहे थे, लक्ष्मी जी का मन भगवान नारायण की बात में नहीं आया। लक्ष्मी जी का मन जो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व कुछ देर के लिए जो बैकुंठ में आया था, स्वर्ग में आया था, उस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही थी। उस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही। भगवान नारायण के नेत्र खुले और नेत्र खुलते से भगवान नारायण ने देखा कि लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे प्रश्न पर नहीं है, लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे संवाद पर, मेरे बोलने पर नहीं है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक घोड़े पर बना हुआ है, अश्व पर बना हुआ है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक अश्व पर, एक घोड़े पर है। आप कथा में बैठे हो, आप कथा में विराजमान हो, आपका ध्यान परमात्मा में है तो परमात्मा कृपा करता है। ध्यान हट गया परमात्मा से, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त हटा, डोर टूटी। यहां इतने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, आज पंडाल फिर बढ़ाए गए, पीछे और पंडाल लगाए गए, साइड में भी बढ़ाए हैं, उधर भी बढ़ाए हैं, पर पंडाल बढ़ाने वाला भी कितना बढ़ाए, रोज बढ़ाता है, उससे ज्यादा तो तुम आ जाते हो। वो तो महाराष्ट्र की
पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई सभी को, और जो पुलिस बल लगा हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने पूरी रोड को संभाल रखा है, बाहर और अंदर हर जगह पर आप लोग संभाले हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के प्रशासन को। नहीं तो हाईवे थोड़ी देर में अगर इतने लोग जाएं आएं तो वो जाम हो जाए, परंतु उन्होंने सुचारू रूप से वो चल रहा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है आप लोगों पर। मन को लगाना है शिव में। लक्ष्मी जी ने अपने मन को नहीं लगाया भगवान नारायण की बातों में। जिसने श्रेष्ठता से, मन से, हृदय से, चित्त से शिव महापुराण की कथा को अपने अंदर उतार लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो उतारने के बाद भी अपने जीवन को दोहरी जिंदगी में जीता है वो फिर नष्ट हो गया। दोहरी जिंदगी किसको कहते हैं थोड़ा समझिएगा। आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, आपका चढ़ाया गया जल आपको अच्छा लग रहा है, और दूसरा अगर जल चढ़ा रहा है तो उससे आप नफरत कर रहे हो, वो श्रेष्ठता नहीं, इसको दोहरी जिंदगी कहते हैं, इसको दोहरा कर्म कहते हैं, इसको दोहरी भाव कहते हैं, दोहरी दृष्टि कहते हैं। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा। अपना बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया और पड़ोसी के बेटे के 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो अपना बेटा पास हुआ तो पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया तो दोहरी जिंदगी में फिर कह दिया उसकी तो वहां पर पहचान होगी, पैसे वाला है, थोड़ा पैसा दे दिया होगा इसलिए काम हो गया होगा। दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी। मक्खी दूध में गिर गई, थोड़ा सा दूध था तुमने फेंक दिया। मक्खी घी में गिर गई, धूलिया वालों 5 किलो घी में मक्खी गिर जाए फेंक दोगे? नहीं, मक्खी को फेंक दोगे पर घी को? है ना दोहरी जिंदगी। दूध में गिरी, दूध फेंक दिया, पानी में गिरा, पानी फेंक दिया, खीर में गिरी, खीर फेंक दी, रबड़ी में गिरी, रबड़ी फेंक दी, हलवे में गिरी, हलवा फेंक दिया, घी में गिर गई, घी नहीं। दोहरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन दोहरी जिंदगी में चलता है, दोहरी जिंदगी। दामाद अच्छा मिल जाए मेरी बेटी को साथ लेके चलता है, इतना दामाद अच्छा मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में किया है, पूरे धूलिया में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मेरा दामाद इतना अच्छा, मेरी बेटी को तो पलक पावड़े पे रखता है, इतना बढ़िया रखता है, इतना अच्छा नेचर मेरे दामाद का, मेरी बेटी के देना वैसा करता है, मेरा दामाद जैसा दुनिया में किसी का दामाद नहीं होगा, मेरी बेटी के पेट का पानी नहीं हिलने दे ऐसा दामाद साथ लेकर जाए, मिलाने लाए, मिलाने कर ले जाए, हर हफ्ते 2 हफ्ते में फोन लगाए, हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे मिलाने लेकर आए, मेरे दामाद जैसा दामाद नहीं हो सकता। अब जैसा तुम्हारा दामाद कर रहा है वैसा की वैसा ही तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू के साथ करे तो तुम 2-4 जगह जा करके क्या उसकी माँ के यहां गई थी जरूर कुछ करवा के लाई। सही है कि गलत है ना दोहरी जिंदगी।
दामाद करे तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को घुमाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को होटल ले जाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को कपड़े दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को रकम दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी के साथ में अपने ससुराल आए तो बहुत बढ़िया, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को रकम दिखाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को साड़ियां दिलाए तो बुरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के घर चले जाए तो बुरा। फिर दे दोहरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? ये दोहरी जिंदगी किसके लिए जी रहे? भगवान मेरी बेटी को ये सादा मात देना, खूब अच्छे से रखे, तो जैसे तुमने प्रार्थना करी वैसी प्रार्थना तुम्हारी बहू की माँ ने भी करी थी। भगवान मेरी बेटी को ये ऐसा घर देना, बड़े प्रेम से रख। अब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? फिर क्यों कहीं कहीं जाती हो? ए भगवान, मंदिर पहुंच गई, देवालय पहुंच गई, शिवालय पहुंच गई, ना जाने कहां कहां जाकर, ना जाने किस किस से पूछ रही है, हमारी जरूर बहू ने कुछ करवा दिया है। जब से मायके से आया वो दो चार दिन आठ दिन में मायके पहुंच जाती है, इसको भी ले जाता, साथ में मेरा बेटा, उसको कपड़े दिला रहा, सामान दिला रहा, रकम दिला रहा। अरे अगर तुम्हारा बेटा तुमको भी सम्मान दे और तुम्हारी बहू को भी सम्मान दे तो उसमें प्रसन्न तुम्हें होना चाहिए कि कम से कम मेरे बेटे में मेरे संस्कार आए, मेरे बेटे में मेरे संस्कार है। बहुत ध्यान देना, बेटा अच्छा निकले तो तुम्हें स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकले तो तुम्हें बेकुंठ देगी, पर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर झोपड़ा भी होगा तो स्वर्ग बना दे। अगर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हारा झोपड़ा जैसा मकान भी होगा तो स्वर्ग बना देगी, और अगर बहू अगर गलत निकल जाए तो तेरी चार मंजिला बिल्डिंग को भी तेरे रहने के लिए नरक बना देगी, आंख में से 24 घंटे आंसू झड़ देगा, 24 घंटा आंसू, 24 घंटा। दोहरी जिंदगी जीना, शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि दोहरी जिंदगी जियो, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जो कर रहे हो उसमें श्रेष्ठता आपकी देखिए, आप दूसरे में उसमें गलत ना देखें, दूसरे में भेद ना देखें। बेटी अच्छी रहे यह हर माँ कामना करती है, बेटी सुखी रहे यह हर माँ कामना करती है, उसी तरह आपके घर में भी आपके बेटे की जो बहू आई है अगर वो सुखी रह रही है तो ये उसमें उसकी माँ की कामना होगी, आप जैसे कामना करते हो वैसे वो भी कामना करती होगी कि मेरी बेटी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी बात का कई माताओं को बुरा लगेगा, उन्होंने रिमोट से टीवी बंद कर दी होगी पक्का, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना, इसलिए जो अच्छा लगे वो बोलो। आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका दामाद आपको अच्छा लगता है तो आपकी बहू का जो पति है वो भी किसी का दामाद होगा, इसलिए उसका भी आदर और उसका भी समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। महाराज शिव कथा कर रही है, लक्ष्मी जी मन को ना लगा पाए, उनका ध्यान भटका था, अश्व को देख रही थी, घोड़े को देख रही, जब अश्व को देख रही हैं घोड़े को देख रही हैं, भगवान नारायण ने नेत्र खोलकर देखा तो लक्ष्मी जी क्या घोड़े पर ध्यान था, तो लक्ष्मी जी को देखकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया लक्ष्मी मेरा श्राप है तुझे, अपने पति के साथ बैठने पर भी तू घोड़े पर ध्यान दी है, इसलिए मृत्यु लोक में तू
अश्वी बनकर घोड़ी बनकर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, यशवी बनना पड़ेगा, तुझे घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में तुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया, आपने मुझे श्राप दे दिया। भगवान नारायण कहते हैं, पति के साथ में होने पर, पति जब बोल रहा है, बात कर रहा है, धर्म पत्नी जब बात कर रही है, उसमें तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम टीवी पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो टीवी मोबाइल चलने दो। यदि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, और तुम टीवी पर, मोबाइल पर कोई एडवर्टाइज देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, तो भले टीवी बंद कर दो और अतिथि का आदर करो, सम्मान करो। हम गलती क्या करते हैं, अतिथि आता है, टीवी चलती रहती है, और आप उस टीवी में अपना मन लगा कर रखते हो और अतिथि का आदर नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। उस समय पर तुम्हारा ध्यान उस अतिथि में होना चाहिए। लक्ष्मी तुमने गलती करी, जब पति के साथ बैठी हो, पति के साथ रह रही हो, पति के साथ बात कर रही हो, और तुम्हारा ध्यान इस अश्व में चले गया, इस घोड़े में चले गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा, और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर वैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। आज लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, घोर अंधेरा, अमावस्या की रात्रि है, भयंकर रात्रि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा, मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी। रात्रि का समय था, लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी, एक बूढ़ी माँ बैठी कपड़े को सिल रही थी, बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही थी। एक बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही है, एक बूढ़ी माँ कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी यहां अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मां क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं। बूढ़ी मां काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया, और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं, इतना कहा, बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। मां मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। कपड़ा छोड़कर मां, कपड़ा छोड़कर मां, कपड़े को छोड़कर मां उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई, पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था, भोजन जितना बनाया था वो समाप्त तो हो चुका।
हम जिस घर में रुके हैं श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे, बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं है, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं, तो हम वहीं पर सुबह के समय घूम रहे थे। इसमें इतने में चेतन मंडोरा जी की माता जी वहाँ आई और उन्होंने कहा, गुरुजी गाय को रोटी, हमने कहा लाओ हम देते। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गर्म थी, हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सवेरे 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं, पर धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी। धन्य है, साधुता आप, बहुत बहुत साधुता, उसके लिए धन्यवाद आप। ताजी रोटी गौ माता को, हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते, और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते, यही कि यही नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है, तो जो बुरा लगे सो तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे वो बोल दो, जो प्रेम है। तो स्नेहता आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है, मां मां मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी आवाज लगा कर कह रही है, मां मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में। मां ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर, अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोल कर रखना है, लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए, कोई आए तुम्हारे दरवाजे पर उसके लिए दरवाजा खोल कर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल देगी, लक्ष्मी अपने आप द्वार खोलेगी। मां भूख लगी है मुझे, इतने में बूढ़ी मां ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी मां ने जमीन पर डाला और कहती है, रुक जा बेटा मैं अभी अंदर से आती हूं, भोजन देखती हूं। भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी, भोजन होता कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेच कर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। है नहीं, याद आया बूढ़ी माँ को, याद आया कि जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था, वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा हुआ,
शहद का डब्बा, मधु का डब्बा मेरे पास। वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास। मधु अब कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना, महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखिए। राम सिंह तो लिख कर दो। मधु अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया था, 75 वर्ष की, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में आ गया। स्मरण और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा रहा है, वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा रहा है। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, शिव पुराण बता रहे। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है, अतिथि देव, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर, जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा, अतिथि देवो, अतिथि का सम्मान हम करना सीखे, अतिथि का सत्कार हम करना सीखे। देखा मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रहे, मिला, प्रकाश की रोशनी में देखा गया, और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ, मधु निकाला, शहद निकाला, और वो शहद बूढ़ी मां माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गए। बूढ़ी मां माता लक्ष्मी जी लेकर, दो 33 कोटि देवी देवता में दो देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में वो अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। दो देव, एक देवदिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा
संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी, बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवदी देव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये दो देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा, गुरुजी आप एक बात कह देते हो, हमारे बीच में माननीय विजय भाऊ चौधरी जी विराजमान हैं, भाजपा प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र शासन, एवं श्री मिथिलेश भाऊ जिलाध्यक्ष भाजपा नंदुरबार, एवं अमिनेश भाऊ माली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं मंदार जी चौधरी नंदुरबार से, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आप शिव कथा में पधारे उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिव कथा कर रही, एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कुर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया, मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद मधु एक देवदिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल 70 80 50 60 साल पुराना शहद मधु रखा था, शहद। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है, है रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल 5 साल 8 साल 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता। पर केवल एक मधु शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है।
शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिभ्या में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवाधिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है, पढ़ी है देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है? एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं, बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया, थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़, घर में होए तो लाए ना, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे।
पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, हो पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली सब गाइए खड़े रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ बाबा तेरी सेवा भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, शंभो सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से 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 लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भो सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा, लाऊं लड्डू कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से 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 लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे न आरा।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बड़े भाव के साथ आनंद के साथ कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से साथ में उच्च स्वर में बाबा से शंकर का संवाद कर रहा। मधु शहद एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महा देव है और देवियों में जो देवी की रूप है महा लक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, बाबा की कृपा है सब पर। श्रीमती कल्पना बाल्मीक, श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत हैं। मैं दहाणे गांव से हूं और मैं यहाँ मेहाणी उपनगर गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत, दहाणे गांव से हूँ और मैं यहाँ मोहाड़ी
उपनगर गांव में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार ऐसे वापस हाथ हिलाओ। हाँ वापस हिला दो, ठीक है। बाबा, शिवजी पे चढ़ाए गए शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा श्रवण करने का फल क्या? गुरुदेव, मेरा बेटा घर पर बैठे बैठे नौकरी की तैयारी करता पर कहीं नौकरी नहीं लगी, उसको 3 साल हो गए। आखिरी में वो हार गया, मुझसे कहता आई मेरी कभी नौकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्का। गुरुदेव, आप मालागांव की कथा में कथा करने आए थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे। उसमें आपने एक बात कही थी कि बेलपत्री के मध्य पत्ती पर जब पूरी मेहनत करो तो एक मध्य पत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना शिवजी को चढ़ा कर जाना। हम लोग सीहोर भी गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करी। बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, बेटे ने एक बार फिर वापिस से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब की बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया और मेरा बेटा भारतीय सेना BSF में लग गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, जैसे बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, गुरुदेव मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा सही में इतना देता है। मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नौकरी में लगा दिया पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया, और कृपा मेरे बाबा ने बरसा दी। और जो मेरा बाबा ने दूसरी कृपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की कृपा इतनी है गुरुदेव कि दुनिया के लोग हंसते थे पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई। मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। आपने एक लाइन कही थी गुरुदेव, खुद को महादेव से जोड़ दो और बाकी का सब महादेव पर छोड़ दो, तो बाबा समाहर पाटिल जो कि भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष धूलिया से हैं, हमारी शादी 2021 में हुई थी गुरुदेव। इसमें हमारी शादी को कई साल बीत गए और पेट में गठाने हो गई थी। गठान में से एक गठान जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी, वो गठान पूरी की तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी, उसका पॉइजन पेट के अंदर फैल गया था। उस गठान को तो निकलवा दिया, पस निकलवा दिया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि आपके पेट में जो गठान का जहर, गला पकड़ रहा है बाबू, गठान का जो जहर है वो पॉइजन बन गया था जिससे तुम्हारा बच्चा जानी खराब हो चुकी है, आपको कभी संतान का सुख नहीं आएगा। किसी ने हमसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बच्चा लाए हो? ले आओ ले आओ। गुरुजी, हमने बॉम्बे तक इलाज करवाया पर प्रत्येक जगह पर यह कहा गया था कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो चुकी है, तुम्हारे गर्भ नहीं ठहरेगा, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पेट में जो गांठ थी वो फट गई, उस पस पड़ गया था, पर बाबा की कृपा तो बाबा की कृपा है गुरुदेव, जो बाबा ने मुझे संतान दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा उदारता है।
इसको शिव की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं, शंकर की उदारता कहते हैं, शिव की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले, ओंकार तू आयो शरण तिया समुद्र कार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार आयो शरण तेरा शंभु का। ये शिव कृपा बिना हो, जब तक बाबा कृपा ना करे पेट में जो गांठें थीं वो फट गई थी, उसके कारणवश पॉइजन फैल गया था, जिसके बाद मुंबई तक के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, पर देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो झोली भरता है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, एक पत्र बड़ा विचित्र, एक बेटी है दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला गली नंबर 14 जूने धूलिया, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला गली नंबर 14 जूने धूलिया। इस बेटी को कहीं बैठी है आप, बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है, आई है बच्ची, आई है, ठीक है, इसको लिया। ये वो बेटी है जिसके शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में शरीर की एक एक नस बंद होती चली जाती है और पूरा शरीर पलंग पर पड़ा रहता है। आखिरी में ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो लाख डेढ़ लाख लोगों में से किसी किसी एक को होती है, और ये बच्ची का शरीर आप इस फोटो में देख सकते हैं, जब बच्ची पलंग पर पड़ी है उसका शरीर कोई काम नहीं करता था, शरीर की नसें चौक हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता ना श्वास ले पा रही थी, शरीर पूरी तरफ से जब बेकार हो गया। जिस बीमारी को GBC भी कहते हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई गारंटी नहीं इसको बचने की, डॉक्टर ने केवल हमें 14 दिन दिए थे कि 14 दिन बाद ये बेटी का क्या होगा ये भगवान ही जान सकता। हमने इसको भर्ती रखा, रात दिन इसका इलाज हुआ, पर कोई
डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए और डॉक्टरों ने कहा कोई चमत्कारी हो सकता है जो इस बेटी को बचा ले। इस बीमारी के अंतर्गत बचना बहुत कठिन होता, शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ गई कि कहीं जा सकती ना आ सकती। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक बेलपत्र इसके पलंग के पास रखो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो। हमने शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बच्ची को मुख में जल दे देते थे, शरीर तो काम कर नहीं रहा था, पलंग पर से उठ पाती नहीं थी, पर बाबा का क्या करुणा है गुरुदेव। हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी रात को गलाते, सवेरे शिव जी को चढ़ाते, पिलाते और बेटी को देते। आज डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए थे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर आज मेरी बेटी अगर चलकर कथा में आई है तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा है। छोड़ो उसको, छोड़ दो, थोड़ा चलो चलो, हाथ छोड़ो माँ, अभी थोड़ा पाँव में जरूर इसके प्रॉब्लम है, पर थोड़ा चल के बताओ, उधर से करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती जा, चलती जा। ये वो बीमारी है जिसमें बच्चों के पाँव और हाथ पैर की नस बंद हो जाती है, चलना फिरना सब बंद हो गया था इस बेटी का, और आज बाबा की कृपा से फिर चल रही है, ये शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार काशीवारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, शरीर में रोग आ जाता है, टूट जाते हैं, पर संभालने वाला बाबा बैठा। हम तो बाबा के भरोसे, जो शिव के भरोसे है उसको भटकना नहीं है, जो शंकर के भरोसे है उसको डोलना नहीं है, शिव संभालते। कथा में आपको कहा था बिल्डिंग बनाना सरल है, दुकान बनाना सरल है, ये कठिन नहीं है। करोड़पति बनना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं, पर संस्कारवान बनाना कठिन। प्रयास करो। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी माँ कपड़ा बना रही है, माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया बूढ़ी माँ ने, आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई होती हैं, उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु, शहद। दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद माता लक्ष्मी को दी गई, एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है, एक बूंद शहद। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद,
शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारे जिंदगी को सार्थक बना देती है, उसी तरह पांच प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से, जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो, अवश्य करिए। जिन जिन प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, प्रत्येक भोजन बाद में करो, पानी बाद में पियो, पहले जाकर राष्ट्रहित के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के हित के लिए वोटिंग जरूर करो। मेरा संपूर्ण प्रदेशवासियों से निवेदन है, होने वाली वोटिंग में आप आगे बढ़कर वोट अवश्य डालें और इस भारत को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपका एक वोट पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा, ये निश्चित है। जरूर जाइए और हमारे राष्ट्र का उत्थान करिए, भारत भूमि का उत्थान करिए। राष्ट्रहित में आपका यह कार्य, एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवदी देव महादेव को चढ़ाया उसका फल है, एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाटी। हम निवेदन करेंगे कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो, या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में ही जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या दो महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त तो होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है, जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ, माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंगाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल,
और माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है, कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा, लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद था देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, कर्मनाशा नदी, कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिया, बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आता है, सुंदर प्रसंग के अंतर्गत चारों तरफ आनंद समाहित था, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं, घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी का जन्म। हमारे घर में एक बेटी और जन्म ले। स्वयं दुर्गा भवानी ने आकर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ उसके बाद में फिर तुम बेटी मंग रहे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो एक कुल को तारेगा और अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो वो दो कुल को तार देती है, इसलिए हमारे घर में बेटी का जन्म है, हमारे घर में बेटी जन्म। मेरा बेटियों से निवेदन, तुम्हारे माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़ना, विश्वास को मत तोड़ना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एड़े तेड़े के साथ ना जाना। प्रयास करना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिए। दिखावे में पढ़कर मत जाना, दिखावे में मत पढ़। थोड़ा कोई तुम्हें बॉडी शॉडी दिखा दे, कोई थोड़ा तुम्हें भुड़ भुड़ कर मोटरसाइकिल पे ले जाके चाउमीन खिला दे, गोलगप्पा खिला दे और तुम्हें गप्पा बना दे,
ऐसा काम ना करिए बचिए बचिए, गलत संगत में ना चले जाना। पार्वती मैया ने देव अधिदेव महादेव को अपना पति बनाया, सती मैया ने भगवान शिव को अपना पति बनाया, असुराय राक्षस आए सब पाना चाहते थे पर कहीं नहीं गए। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में, अपने ही धर्म के अंदर विवाह करना, किसी दूसरे धर्म में मत चली जाओ, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश ना करें। थोड़े दिन की चांदनी नजर आती है, फिर अंधेरी रात पूरी जिंदगी नजर आती है। अपने धर्म के अंदर भले जैसा लड़का मिले और जैसे तुम्हारे माता पिता विवाह करा दे उसमें सुखी रहने का प्रयास करें, दूसरे धर्म में ना जाए। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, सती मैया ने अपने प्राणों को त्यागा, पार्वती जी का प्रागट्य हुआ, पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती के मंगल विवाह का आनंद पाए। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बहुत बहुत साधुवाद। मैं साधुवाद देता हूं हमारे बीच में माननीय श्री दादा बाबू भूसे जी साहब,